अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तज़ीन्स किचन। आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो अचारी अरवी की रेसिपी है। ठीक है, हमने मस्टर्ड ऑयल लिया था 4 टेबलस्पून। उसके बाद हमने 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेने के बाद इसमें हमने जो बघार डाला था वो डाला था तकरीबन ज़ीरा 1 टेबलस्पून, कलौंजी 1 टेबलस्पून, रायदाना 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून सौंफ। ठीक है, ये हम डाल के इसको थोड़ा सा हम जो है फ्राई करेंगे। ये देखें, ये सब मैं डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें अरवी डाल दूँगी। अरवी मैंने ली थी 1/2 kg और उसको गोल गोल कटिंग कर लिया था। ठीक है, आप लोग चाहें जिस भी शेप में डालना चाहें वो डाल कर सकते हैं। सही है, अब ये मैं ज़रा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद जो है मैं इसमें अरवी ऐड कर दूँगी। अरवी को भी हम 2 मिनट तक जो है वो कुक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने अरवी डाल दी थी, अब मैं इसको 2 मिनट तक कुक करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी। ड्राई मसाले कौन कौन से चाहेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सही है, लाइक एंड शेयर करें और आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताया करें मुझे यार कौन कौन सी रेसिपीज़ आप लोगों को जो है देखनी है या आप लोगों को चाहिए, तो मैं उसी तरह प्रिपेयर करके आप लोगों को जो है रेसिपीज़ दूँगी। ठीक है, अच्छा ये हम 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा जो है फ्लेवर आ जाए हमारा कलौंजी और ज़ीरा और उसका। ड्राई मसाले हम इसमें डालेंगे। ड्राई मसाले देखिए कौन कौन से डालेंगे। 1/2 teaspoon हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे नमक, 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटीर मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और 1/2 teaspoon हल्दी डालेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन आपने ऐड करना है 1/2 cup या 1 cup। ठीक है, इट्स अप टू यू, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी इसमें ऐड करना चाहो। सही है, पानी हमें इसलिए डालना है कि ये आलू नहीं है जो भाप में गल जाएंगे, ये अरवी है, तो इसके लिए थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना पड़ेगा। सही, ये डाल के मैंने इसको 5 मिनट तक रख दिया था। 5 मिनट के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका कि क्या इसकी सिचुएशन थी। लास्ट में मैंने इसको गार्निशिंग किया था हरा धनिया विथ हरी मिर्ची के साथ। सही है, आप लोग चाहें तो इस पर, अच्छा मैंने लास्ट में इसमें लेमन भी डाला था, एक लेमन भी डाला था, वो मैं यहाँ पर जो है आपको ऐड करना भूल गई हूँ। सही, अब ये हरी मिर्ची हरा धनिया डालने के बाद जो है मैं इसमें लेमन एक्सक्यूज़ कर दूँगी एक, उसके बाद फिर फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी इसकी। ठीक है, मज़ेदार बनी थी, फ्राई अरवी बनी थी, अचारी अरवी की रेसिपी मैंने आपको दी है। ठीक है, ये लोग आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको दाल चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं, इसको सुबह नाश्ते पर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनी थी, यमी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी थी। ये इसका फाइनल लुक है। ठीक है, आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मर्ज़ी है आप लोगों की, जैसे आप लोग चाहें। ठीक है, चलें एक नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।